तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से आ गए चंडीगढ़ सेक्टर 28 और इसका अभी एक छोटा सा काम कराना है यार। ये ना 18 इंच के टायर डलवा के थोड़ी और ऊंची हो गई गाड़ी और चढ़ने में मेरी दिक्कत आती है और इसमें फुटस्टेप लगे लगाए आते नहीं है। तो मैंने ओरिजिनल तो मेरे को कहीं मिल नहीं रहा महिंद्रा के, तो मैं आफ्टर मार्केट एक भैया से पता करा था यहाँ पे और वो लगवाते हैं, तो देखते हैं फिर कितने के पड़ते हैं यहाँ पे। लगा के तो ठीक ही लग रहे थे, बाकी एक बार जब फिट हो जाएंगे तब मैं दिखाता हूँ कितने के पड़ते हैं। रेट भी आपको मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज कर दूंगा, सस्ते ही हैं वैसे तो। अभी ये साइड खाली है, दूसरी साइड काम शुरू हो गया, और फिर बाहर दिखाता हूँ। तो भाई एक साइड वाला लग चुका है, अब सेम प्रोसेस रिपीट होएगा दूसरी साइड। लग तो ठीक ही रहा भी, बाकी थोड़ा ज्यादा चढ़ के पता चलेगा। अब सेम इधर भी होएगा, एक बार जब लग जाता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैं सेक्टर 28 में खड़ा हूँ और सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के अंदर दुकान है इनकी। तो भाई हमने फुटस्टेप तो अभी लग गए दोनों तरफ, पेमेंट वूमेंट कर दी है और अब ना मेरे ख्याल चढ़ने में बस थोड़ी आसानी हो जाएगी, भाई थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। हाँ भाई अब तो बढ़िया हो गया चढ़ने का सिस्टम, एक स्टेप ले गया अब ऊपर एकदम फर्स्ट क्लास चढ़ जाओ। ये यार Z2 में तो ना ज़रूरी है, ऊपर से फिर अपन ने 18 इंच के अलॉय भी डलवा लिए, उससे भी फिर थोड़ी दिक्कत हो गई है, थोड़ी और गाड़ी ऊँची हो गई है। कल तो पता नहीं चला, जोश जोश में नए नए अलॉय थे ना, तो पर अब जब भाई बार बार इतना ऊपर चढ़ना पड़ रहा है तब थोड़ी आफत आ रही है चढ़ने में, पर वैसे ठीक है। और भाई जहाँ तक की बात करूँ कॉस्टिंग की, तो भाई ये फुटस्टेप ऑल ब्लैक थे, ये मेरे को पड़े हैं भैया ने लगा दिए 8,500 रुपये के, 8,500 रुपये के, और 9,000 उन्होंने बोला था, मैंने थोड़ी सी नेगोशिएशन करके और अपना 8,500 दे दिया। इसमें सारा कुछ था इंस्टॉलेशन वगैरह। तो भाई अगर आप हो चंडीगढ़ से और अगर आपको Z2 है या किसी भी और गाड़ी के फुटस्टेप लगाने हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये मैंने लगवाए हैं जो सेक्टर 28 सेक्टर है ना, जहाँ प्रॉपर मोटर मार्केट है, वहाँ पे सामने ना गुरुद्वारा है, वो देखो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, जहाँ JCB खड़ी हुई है, उस गुरुद्वारे के अंदर दुकान है ये, गुरुद्वारे के ना अंदर जाके बिल्कुल कोने पे वहाँ पे ये दुकान है और वहाँ पे इनके पास सारी एक्सेसरीज हैं। और रेट मेरे को इनके यार कहीं हद तक जेन्युइन ही लगे, करने को तो अगर मैं मनी माजरा जाता हूँ शायद थोड़ा सा और सस्ता या पता नहीं और थोड़ा मतलब जुगाड़ वाली डील मिल जाती, पर यार वहाँ पे ना गाड़ी लगाने का बहुत स्यापा है। मनी माजरा भी दो पंचकूला चंडीगढ़ से उनको पता ही होगा कितना रश होता है, तो इसीलिए अपना वो ही है थोड़ा सा ना रहता ही है। तो अपना 28 सेक्टर बढ़िया है भाई, यहाँ पे वो पार्किंग वर्किंग खुली मिल जाती है, काम करने वाले मेरे यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं, वे उन्होंने हार्डली मतलब 15 मिनट लगाए होंगे, 15 मिनट में दोनों साइड के फुटस्टेप कस के और अपना वही चलता करा मेरे को कि लो भैया पेमेंट कर दो, चढ़ चुढ़ के इन्होंने टेस्टिंग करवा दी थी मेरे से और बढ़िया एकदम अपना हो गया। और अब भाई निकलते हैं बस घर की तरफ, ये मॉडिफिकेशन वगैरह तो बस चलती रहेंगी, तो एक एक धीरे धीरे करके काम करवा लेंगे भाई, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि सारा कुछ एक बार में करवा लूँ मैं। तो ये देखो भाई ये गुरुद्वारा है साइड में ना, ये गुरुद्वारा है, इसके अंदर छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, सबसे कॉर्नर वाली दुकान इनकी है, वहाँ पे सारी एक्सेसरीज हैं फुटस्टेप वगैरह और ये वाइज़र वाइज़र कैमरे सब कुछ है यहाँ पे। तो मेरे को कार्ड लेने का मौका नहीं मिला यार, मैं कार्ड लेना भूल गया भैया का,
नहीं तो मैं आपको कार्ड लेके दिखा देता, पर सही है यार, बढ़िया था ये। और अगर आप 28 सेक्टर या पंचकुला कहीं भी रहते हो, पंचकुला चंडीगढ़ में, तो आप यहाँ से काम करवा सकते हो। तो भाई ये था कुछ आज की वीडियो में। बाकी भाई ये देखो Z2 की पेट्रोल की माइलेज देखो जरा, 7.1 खतरनाक। तो भाई ये था कुछ आज की छोटी सी वीडियो में। और ये मैं आपको ना एक वीडियो और भी बना के दूंगा डेडिकेटेड, जो जिसमें मैंने टोटल आज तक जितना भी काम करवाया अपनी Z2 में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए अगर आप Z2 लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको कितना खर्चा आएगा। और तो भाई करवाते हैं अगली वीडियो में, आपसे मिलते हैं। एंड तब तक के लिए भाई स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।